जकारा शिरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। देखिए शक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है, दुर्गा पूजा की रौनक पूरे देश में नजर आ रही है। चाय पर चर्चा में हम सबसे पहले आपको कोलकाता के खूबसूरत दुर्गा पंडालों के दर्शन करवाते हैं। जी हाँ, देखिए रोशनी और रंग के साथ सराबोर इन पंडालों में कला और संस्कृति की अद्भुत झलक आपको दिखाई पड़ती है। हर पंडाल के पीछे एक संदेश छिपा है, माँ की भक्ति से जुड़ी भावना आपको साफ दिखाई देगी। रंग ऐसे जो मन भर जाए, चमक ऐसी कि शामें भी निखर जाए, ये अद्भुत रोशनी कोलकाता में दुर्गा उत्सव की उमंग तरंग की दास्तां बयां कर रही है। जिंदगी में उत्सव इसी रोशनी की तरह हैं, जो हमारी दुनिया को खुशियों से भर देते हैं, निराशा के अंधकार को दूर करते हैं। कोलकाता के त्रिधारा पंडाल की खूबसूरत रोशनी यही संदेश देती है, सकारात्मक ऊर्जा से जीवन को भर देती है। यूं तो आजकल थीम बेस्ड पंडाल का ट्रेंड है, लेकिन त्रिधारा पंडाल की खूबी ये है कि इसकी कोई थीम ही नहीं, यहाँ बस रंग हैं, रोशनी हैं और दुर्गा उत्सव की बेशुमार चमक है। साउथ कोलकाता के त्रिधारा जो बहुत पॉपुलर एक दुर्गा पूजा है, वहाँ पे इस बार थीम ही ये है कि इनका कोई थीम नहीं है, बल्कि कलर्स और लाइट्स ही इस बार इनका थीम है। इनका दावा है कि यहाँ पे जब लोग आएंगे, वो लोग सिर्फ माँ को देखने आएंगे और कलर्स को महसूस करने आएंगे और लाइट्स को देखने के लिए आएंगे। इस बार यहाँ पर कोई ऐसा थीम नहीं है, बल्कि लाइट्स और कलर्स, रंग और लाइट्स का एक मिश्रण सामने लाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी में ये लाइट्स जो है, कलर्स जो है, रंग जो है, वो भरपूर रहे। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की उमंग देखते ही बनती है, खासकर कोलकाता में बच्चे क्या बड़े क्या, सभी उत्सव के उल्लास से सराबोर हैं। अलग अलग तरह से पंडाल बनाए हुए हैं और वो बहुत अच्छा है। आपको क्या अच्छा लगा? कि यहाँ पर बहुत अच्छा से डेकोरेशन हुआ है, जो आज तक मैंने पहली बार देखा है। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा कि डेकोरेशन ही जो इसका अच्छा लगा। और ये है बोस पुकर शीतला मंदिर के दुर्गोत्सव कमेटी के पंडाल का नजारा। कोलकाता के इस पंडाल में दाखिल होते ही आप बीते हुए कल से रूबरू होते हैं। लोहे की ये कुर्सियाँ कभी हर आयोजन का हिस्सा हुआ करती थीं, शादियाँ हो या कोई और कार्यक्रम, इन कुर्सियों के बिना हर आयोजन अधूरा था। इस पंडाल में 12,000 कुर्सियों के जरिए उसी बीते हुए कल को आज में सजाने की कोशिश की गई है। शहरों का कोलकाता के दुर्गा पूजा ही नहीं, बल्कि कोई भी पूजा के साथ एक बहुत पुराना संपर्क है। जब हम बचपन में थे, तब हम सभी ने शायद इन चेहरों को बहुत बहुत नज़दीक से देखा होगा। ये आयरन के वो चेयर हैं जो शायद आजकल मार्केट में दिखते हैं नहीं, कोई भी फंक्शन में दिखते हैं नहीं, लेकिन एक ज़माने में यही बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता था हर उस पूजा का, हर उस पंडाल का या हर उस फंक्शन का, जहाँ पे लोगों को बुलाया जाता था दर्शन करने के लिए या फिर फेस्टिविटी में पार्ट लेने के लिए। आज प्लास्टिक के चेयरों के ज़माने में ये चेयर जो हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोलकाता के बोसपुकुर में एक पुरानी नॉस्टैल्जिया को क्रिएट किया जा रहा है। ये सिंघी पंडाल की रौनक है, थीम है पुतुल नाच। यहाँ हर तरफ राजस्थानी संस्कृति की झलक बिखरी है, दीवारों को किले की शक्ल दी गई है और झरोखों में कठपुतलियाँ सजाई गई हैं। कोलकाता के इस पर्टिकुलर पंडाल में जब आप आओगे तो एक राजस्थान वाला फील आएगा। कैसे? जब आप इसके इर्द गिर्द देखोगे तो आपको राजस्थान की उन फोर्ट और उन किलों के बारे में याद आ जाएगा। उसी हिसाब से इस पंडाल को बनाया गया है और इस पंडाल की खासियत ये है कि यहाँ पे राजस्थान की जो कल्चर है उसको सामने दिखाने की कोशिश की गई है। कठपुतलियों का डांस, कठपुतलियों का नाच जो है, जो हम जानते हैं कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश के कई जगहों पे बहुत ही प्रचलित है, उसी को यहाँ पे लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे पंडाल के अंदर इर्द गिर्द जब आप देखोगे, जैसे किसी किले के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या फिर चीज़ें होती है, दीप जैसे जलते हैं, वो एक फील देने की कोशिश की गई है। कोलकाता में दुर्गा पूजा का हर पंडाल बेहद खास है, हर पंडाल को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है, ताकि जो भी यहाँ आए, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की रोशनी, यहाँ की चमक
उसकी यादों में हमेशा के लिए बस जाए। सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि कोलकाता में एक ऐसा दुर्गा पंडाल तैयार किया गया है जिसके जरिए महिला और बच्चियों की सुरक्षा का संकल्प यहां दोहराया जा रहा है। इस पंडाल के जरिए ये बताया गया है कि समाज में आज भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले कम नहीं हुए हैं। यानी ये पंडाल महिला और बच्चों के खिलाफ होते अपराध के मामलों में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। यहाँ कई पोस्टर्स भी चिपकाए गए जिनमें कुछ संदेश लिखे हुए हैं। देखिए इस दुर्गा पंडाल की वाद्य यंत्रों का बाजार भी सज चुका है। सिलीगुड़ी में पारंपरिक ड्रम बजाने वाले कलाकारों को दुर्गा पूजा के दौरान अच्छी कमाई की उम्मीद है, क्योंकि हर शुभ कार्य में इन्हीं पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। माता दुर्गा के भक्त ढोल की थाप पर झूमते हैं तो कहीं विसर्जन से पहले बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। और चलिए अब आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां इस बार पूजा पंडाल को राम मंदिर की थीम पर बनाया गया है। इस पंडाल को पूरी तरह अयोध्या के राम मंदिर की शक्ल देने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि मंदिर के खंभों पर सिया राम और लक्ष्मी की तस्वीर उकेरी गई है, तो द्वार पर वीर हनुमान रक्षक के तौर पर यहां दिखाई देते हैं। अब खास बात यह है कि इस पंडाल में माँ के 9 स्वरूपों को भी दर्शाया गया है, तो चलिए देखते हैं। सज गया माँ का दरबार। नवरात्र में माँ की महिमा अपरंपार। आज षष्ठी के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा के पट खुलने के साथ ही दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो गया। पूरा देश आज दुर्गा पूजा के रंग में रंगा नजर आ रहा है। मुंबई में इस साल दुर्गा पूजा के मौके पर कई खास पंडाल सजाए गए हैं। ठाणे के इस पंडाल को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। समग्र भारतवर्ष में नवरात्र के पावन पर्व चल रहा है, और नवरात्रि के पावन पर्व पर राम मंदिर की झलक मुंबई हो या देश के अलग अलग इलाके हो, वहां पर राम मंदिर की झलक दिखाई पड़ रही है। मुंबई का ठाणे जिला, यहाँ पर इस साल माता जी की स्थापना राम मंदिर के अंदर की गई है। ये मुंबई में सबसे पुराने जो दुर्गा माता का पंडाल है उनमें से एक है, जहाँ पे माता की स्थापना पिछले कई वर्षों से की जा रही है। वहीं हर साल यहाँ पर अलग अलग तरीके से सजावट होती है, और इस साल बड़े ही बेहतरीन तरीके से राम मंदिर की तैयारियां कैसे हो रही हैं, राम मंदिर का जो मंदिर बनाया जा रहा है वो कैसा होगा, इसकी झलक जो है वो इसमें दिखाई गई है। इस पंडाल को हूबहू अयोध्या के राम मंदिर की शक्ल देने की कोशिश की गई है। मंदिर के खंभों पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की तस्वीर उकेरी गई है। छत में नक्काशी के जरिए देवी देवताओं की तस्वीर बनाई गई है। पंडाल की एंट्री पर बजरंग बली की मूर्ति है, जो मंदिर की रक्षा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मंदिर में माँ दुर्गा के सभी 9 रूप चित्र के माध्यम से दर्शाए गए हैं। मुंबई से पारस दामा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां अलग अलग थीम पे दुर्गा पंडाल बनाए गए हैं। यहाँ आपको तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर की झलक भी देखने को मिलेगी, तो अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन भी आप यहाँ कर पाएंगे। इसी तरह केदारनाथ धाम के दर्शन का पुण्य भी आप यहाँ हासिल कर सकते हैं। नगरी प्रयागराज नवरात्र के रंग में रंग गई है। माँ अम्बे की आराधना के लिए प्रयाग नगरी में जगह जगह पंडाल सजे हैं। यहाँ आपको तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर की झलक देखने को मिलेगी। तो अयोध्या के राम मंदिर का भव्य पंडाल भी यहाँ तैयार किया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, प्रयागराज में दुर्गा पंडाल में अयोध्या का थीम बनाया गया है। अभी अयोध्या में तो नहीं तैयार हुआ है, लेकिन हमारे प्रयागराज में कालंदीपुरम में अयोध्या का थीम तैयार किया गया है, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही भव्य है।
राम मंदिर के अलावा केदारनाथ धाम पंडाल को भी दिव्य रूप दिया गया है। हर जगह पर भव्य और दिव्य पंडाल देखकर यहां पहुंच रहे भक्त बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत ही अनोखे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर पंडाल इस बार प्रयागराज में सजे हैं, जो कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 जब छोड़ा गया उसको लेकर के बनाया गया। राम मंदिर अयोध्या जो कि अब पूर्ण होने वाला है उसकी थीम पर बनाया गया है पंडाल इस तरीके से करके, कहीं केदारनाथ का बनाया गया है। इस तरह अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीकों से लोगों ने अपने अपने पंडाल बनाए हैं, परंतु क्योंकि हम लोगों को जब यहाँ पर शिवाजी पार्क में आने का मौका मिला, क्योंकि जगह जगह से शोर था कि यहाँ पे बहुत कुछ है, तो देखने में लगा कि शायद सब कुछ इकट्ठा हो करके एक जगह आ गया है। अब आपको देश के गौरव वाला पंडाल दिखाते हैं। ये है चंद्रयान 3 की थीम वाला पंडाल। इस पंडाल में इसरो के चंद्रयान 3 की उड़ान को दिखाया गया है। चंद्रयान 3 पंडाल यहाँ पहुँच रहे लोगों को गर्व कराने का मौका दे रहा है। पूरे प्रयागराज में कहीं केदारनाथ, कहीं रामेश्वरम, कहीं जगन्नाथ, राम मंदिर का भी और चंद्रयान 3 का भी बनाया गया है। लोगों में बड़ा उत्साह है इस बार दुर्गा पूजा के लिए। कारीगर यहाँ कलकत्ता से 1.5 महीने से लगातार लगे हुए हैं और 20 कारीगर लगे हुए हैं। हाँ, दुर्गा पूजा देखने लोग पूरे इलाहाबाद क्या बाहर से भी आते हैं। प्रयागराज में माँ दुर्गा की ये भव्य प्रतिमा और पंडाल बनाने के लिए कारीगरों को कोलकाता से बुलाया गया है। महीनों दिन रात मेहनत करके इन कारीगरों ने ये पंडाल तैयार किए हैं। यही वजह है कि इन अनोखे पंडालों को देखने काफी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिल्ली के मिनी बंगाल में लिए चलते हैं, यानी सीआर पार्क, और वहां पर किस तरीके की रौनक है दुर्गा पूजा को लेकर। नीतू झा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीतू, दिखाइए जरा इस बार पंडाल का थीम क्या है, कैसी रौनक वहां पर नजर आ रही है और आज क्या कुछ होने वाला है वहां। नवजोत, कालीबाड़ी में मौजूद हूँ मैं इस वक्त और यहाँ दुर्गा पूजा का जो उत्साह है लोगों के चेहरों पर वो साफ देखने को मिल रहा है। राजा से कहूंगी एक बार आपको पूरा पंडाल दिखाए। सीआर पार्क को मिनी कोलकाता कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बंगाली रहते हैं और बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा वो फेस्टिवल है जिसका वो साल भर इंतजार करते हैं। साल भर के बाद जो ये 4 दिन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा, अगर हमारी भी जान पहचान में कोई बंगाली होता है तो हमने देखा है कि वो लोग पहले से ही शॉपिंग करना, प्लानिंग करना सब शुरू करते हैं कि सप्तमी की शाम को क्या करना है, अष्टमी की शाम को क्या करना है। और यहाँ पर ना अभी तरह तरह के गेम्स जो हैं वो हो रहे हैं, बहुत अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। उसमें आप देखेंगी कि कलकत्ता से ऐसे भी कारीगर आए हुए हैं जिन्होंने हैंडक्राफ्ट बनाए हैं, उनके स्टॉल हैं। उसके बाद खाने पीने के कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। खास बात यह है कि महिलाओं के कई सारे स्टॉल हैं, बच्चों के डांस कॉम्पिटिशन है, बच्चे वो ट्रेडिशनल जो बंगाली साड़ीज होती हैं उसको पहन के भी आए हैं। और अब यहाँ पर इस तरफ आप देखेंगी तो जो माता की मूर्ति है जो लगाई गई है उसको भी खोला जाएगा। बिल्कुल, एक रिवाज होता है महालया। नीतू, यहाँ आज जो है जैसा कि आपने कहा, वाकई ये जो इलाका है जहाँ आप मौजूद हैं उसे मिनी कोलकाता ही कहा जाता है। आज षष्ठी है और आज के दिन ही जो है माता के मुख पे जो वो कपड़ा लगा होता है उसे हटाया जाता है, जिसकी एक विधि होगी, थोड़ी देर में वो हटेगा। इसके अलावा जरा बताइए, अभी तो वो होने वाला होगा थोड़ी देर में, लेकिन खाने पीने को लेकर भी यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स लगते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन आज के दिन होते हैं। अगले 4 दिनों तक रहेंगे तो क्या कुछ खास है इस बार? देखिए, यहाँ पर एक चीज खास है कि यहाँ पे आपको बंगाली डिश के साथ श्वेता जो नॉर्थ इंडियन डिशेस भी हैं वो भी काफी देखने को मिलेंगी, क्योंकि शायद दिल्ली की यही खासियत है कि इसे मिनी भारत कहा जाता है। तो जब हम यहाँ अंदर आ रहे थे तो हमने स्टॉल्स देखे, तो वहां पर क्योंकि गोलगप्पे लड़कियों को बहुत पसंद है और बंगाल के बहुत फेमस भी हैं, तो गोलगप्पे देखे हमने, छोले कुलचे देखे, छोले भटूरे देखे, नॉनवेज आइटम्स भी। हालांकि हम मंदिर में मौजूद हैं तो यहाँ नॉनवेज आइटम जो है वो नहीं है, लेकिन बाहर कई सारे ऐसे स्टॉल्स लगे
लिए हुए हैं, क्योंकि बंगाली लोग नॉनवेज खाना ही बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसे भी कई सारे स्टॉल्स हमने देखे हैं, यानी खाने पीने की पूरी तैयारी, क्योंकि लोग साल भर इंतजार ही इसलिए करते हैं कि कपड़े खरीदेंगे, पूजा करेंगे और खाएंगे। बिल्कुल, और जैसे जैसे शाम जो है वो ढलेगी वैसे वैसे वहां पर रौनक और बढ़ती जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका नीतू तमाम जानकारी हमें देने के लिए। भारत का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है मंदिर, मंदिर माँ की स्तुति जारी है। आज नवरात्र का छठा दिन है और माँ के कात्यायनी स्वरूप की आराधना के लिए भक्त देवी मंदिरों सिद्धपीठों में उमड़े दिखाई दिए। कहते हैं कि नवरात्र में माँ से मांगी हर मुराद पूरी हो जाती है, यही वजह है कि नवरात्र के छठवें दिन मंदिर मंदिर माँ का जयकारा गूंज रहा है। नवरात्र के पावन दिनों में आस्था धीरे धीरे परवान चढ़ रही है। आज छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की गई। ऐसे में देश के मंदिरों, सिद्ध और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। ये लखनऊ का बड़ी काली जी मंदिर है। नवरात्र के मौके पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ माँ के प्रति अगाध आस्था दर्शा रही है। लखनऊ के चौक स्थित बड़ी काली जी के मंदिर में है और यहाँ पर जो देवी का स्वरूप है वो बहुत अनुपम है, क्योंकि यहाँ जो विग्रह है वो लक्ष्मी नारायण का है, यानी लक्ष्मी नारायण का विग्रह है और माँ काली की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में माँ काली की पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर दिन अलग अलग सज्जा होती है, अलग अलग भोग प्रसाद होता है, पीले फूलों से सजाया गया है, माँ का श्रृंगार किया गया है। और जैसा कहा जाता है कि माँ कात्यायनी को पीले फूल बहुत पसंद हैं और उनके जो भोग के लिए अलग अलग चीजें हैं जिसमें शहद प्रमुख रूप से होता है वो भी चढ़ाया गया है। वैसे इस मंदिर में अलग अलग दिन अलग अलग भोग प्रसाद की व्यवस्था होती है जो दिन के हिसाब से होती है। सुबह सवेरे गुवाहाटी का कामाख्या देवी मंदिर भी श्रद्धालुओं की आवक से गुलजार रहा। हर कोई अपनी अपनी मनोकामना पूरी होने की इच्छा दिल में लिए माँ के दर पर पहुँचा। ऐसी ही आस्था से भरपूर तस्वीर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नजर आई। मां की ये भाव विभोर कर देने वाली आरती आज हर आस्थावान के मुंह से निकल रही है। दिल्ली का छतरपुर मंदिर भी इन दिनों भक्ति रस धारा से सराबोर है। यहां भी सुबह से ही भक्तों की खासी रौनक दिखाई दी और इस दौरान मां की ये भव्य और दिव्य आरती भी दिल को सुकून दे रही है। माँ कालका जी का दरबार भी भक्तों से भरा है। नवरात्र पर कालका जी के दर्शन पूजन के लिए भक्ति रस की मानो यहाँ बयार बह रही है। दिल्ली के प्रसिद्ध कालका मंदिर में यहाँ सुबह से ही भक्तों का सैलाब लगा हुआ है मंदिर में, क्योंकि श्रद्धा के ये वो दिन है, 9 दिन जिस दिन सभी श्रद्धालुओं की ये चाहत होती है कि वो माँ के दर्शन करें, माँ के दीदार करें और अपनी मनोकामनाएं माँ को बताएं, क्योंकि कहते हैं माँ सबका बेड़ा पार करती है। माँ को आप अपनी मनोकामनाएं कह देते हैं तो जो भी आपके मन में होता है माँ उसे जरूर पूरा करती है। गुजरात के सूरत में अंबिका निकेतन मंदिर भी बेहद सुंदर और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। नवरात्र के लिए यहाँ खास तौर से माँ का दरबार और उनका अद्भुत श्रृंगार किया गया है। नवरात्र में मुंबई का मुंबा देवी मंदिर भी माता के जयकारों से गुंजायमान है। यहाँ भी माँ के छठे स्वरूप की पूजा अर्चना की गई और फिर शंख की ध्वनि के साथ आरती उतारी गई। लोगों की भारी भीड़ आज भी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। लोग 2 से 3 किलोमीटर की लंबी लाइन में घंटों तक खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आज नवरात्र का छठवां दिन है और नवरात्र के छठवें दिन मुंबई के मां मुंबा देवी मंदिर में भी लोगों की भारी भीड़ है, जहां पर लोग अपना माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्र में अंबे मां के प्रति श्रद्धा भाव ही सर्वोपरि पूजन है। कहते भी हैं नवरात्र के 9 दिनों में जो भी भक्त देवी मां की पूजा सच्चे मन से करता है उस पर मैया का आशीर्वाद जरूर बना रहता है। दिल्ली से नीतू झा, मुंबई से पारस दामा और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब तिरुपति में संस्कृति और परंपरा की अद्भुत तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ श्री वेंकटेश्वरम स्वामी गरुड़ पर सवार होकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकले हैं और इस अवसर पर बड़ी तादाद में लोग अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंचे। नवरात्र के पांचवें दिन ये भव्य उत्सव मनाया जाता है। इन दिनों पूरे देश में आपको बता दें शक्ति उत्सव चल रहा है। जी हाँ, गुजरात में तो गरबा और डांडिया के आयोजन ने मानो धूमी मचा रखी हो। सूरत, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद समेत तमाम इलाकों में लोग गरबा खेलने में जुटे हुए हैं। नवरात्र के दौरान शहर शहर हजारों की तादाद में लोग गरबा डांडिया खेलते हुए माँ जगदम्बा की आराधना। अब आपको दिखाते हैं सूरत के बारदोली में गरबा उत्सव की झलक। यहाँ दिव्यांग बच्चे और युवा गरबे में शरीक हुए और उत्सव का आनंद उठाते नजर आए। अब देखिए राजकोट में गरबा की ये तस्वीरें। राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में पिछले कई सालों से सुरभि रासोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पूरे सौराष्ट्र से लोग गरबा खेलने आते हैं और नवरात्र के उत्सव का मजा लेते हैं। नवरात्रि का आयोजन एकदम बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमको सिक्योर फील हो रहा है, जैसे परिवार के साथ हम खेले ऐसा ही फील हो रहा है। गुजरात के अलग अलग शहरों में गरबा के अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं। पंडालों में आमतौर पर लड़के लड़कियाँ, मर्द और महिलाएं मिलजुल कर गरबा खेलते हैं, लेकिन वडोदरा में एक इलाका ऐसा है जहाँ सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही गरबा खेलते हैं। इसी खास परंपरा के तहत यहाँ 200 साल से गरबा हो रहा है, लेकिन बिल्कुल सादगी के साथ, किसी दिखावे और चकाचौंध के बगैर। यहाँ गरबा में लोग शामिल होते हैं और माता जी के प्रति आस्था का इजहार करते हैं। वडोदरा से दिग्विजय पाठक, राजकोट से तेजस शुशांगिया और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के लोगों को आज नया तोहफा मिल गया है। आज देश को पहली रैपिड रेल नमो भारत मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अभी 21 अक्टूबर से रैपिड ट्रेन सेवा आम लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि ये रैपिड ट्रेन साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक पहुंचने में करीब 12 मिनट का वक्त लेगी। जैसा कि हमारे देश में नवरात्रि के त्योहार पर शुभ कार्य की परंपरा चली आ रही है, तो कहा जा सकता है कि भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत रैपिड ट्रेन का उद्घाटन भी कुछ ऐसे ही माहौल में हुआ है। और इसी के साथ रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो गई। जो सफर का वक्त है दिल्ली एनसीआर से लेकर यहाँ मेरठ के जो स्टार्टिंग प्वाइंट है वहाँ तक, तो आपको पहले 1-1.5 घंटा लगता होगा। गाड़ी में सफर करने में पेट्रोल भी बहुत खपत होती है पेट्रोल की, लेकिन अब वो कम हो जाएगा। 15 से 20 मिनट में आप दिल्ली से एनसीआर से निकलते हुए सीधा मेरठ के पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक शुरू की गई रैपिड ट्रेन की उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसे विकास पथ पर आगे बढ़ने की अपनी प्रतिबद्धता को जताया। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूँ, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा
एक साल डेढ़ साल के बाद पूरा होगा, उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। ये देश की पहली रैपिड ट्रेन है जिसके पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। पीएम मोदी ने उद्घाटन के मौके पर रैपिड रेल में बच्चों के साथ सफर किया और साथ ही क्रू मेंबर्स से भी बातचीत की। फिलहाल 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ गाजियाबाद कॉरिडोर पर अभी 17 किलोमीटर के खंड दुहाई साहिबाबाद के बीच ही ट्रेन दौड़ेगी। स्टैंडर्ड क्लास का किराया 20 से 50 रुपए और प्रीमियम क्लास का किराया 40 से 100 रुपए तक होगा। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी और अभी इसके प्रथम चरण का काम साहिबाबाद से दुहाई स्टेशन तक यानी 17 किलोमीटर के रास्ते को खोल दिया गया है। इसके पहले फेज में 5 स्टेशन हैं जिनमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन शामिल हैं। हालांकि इन रैपिड ट्रेनों को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ये ट्रेनें पटरियों पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। तो देश की पहली रैपिड ट्रेन जो फुल स्पीड, फुल सहूलियत और फुल कंफर्ट के साथ शुरू हो गई। जाहिर है आने वाले वक्त में इस रैपिड ट्रेन का फायदा केवल वेस्टर्न यूपी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड जाने वाले लोगों को भी मिलेगा। साहिबाबाद से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अर्ज किया है, मुस्कुराने की वजह ना ढूंढो वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर देखिए, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। वाह वाह श्वेता, वाह वाह कमाल करती हो यार। शुक्रिया। तो भाई जब ऊपर वाले ने फ्री में एक खास इनायत हमको और आपको दी है तो हंसते मुस्कुराने में हर्ज ही क्या है, क्योंकि मुस्कुराने से जिंदगी मुश्किल हालात में आसान हो जाती है। जी हाँ, आज से तो वीकेंड का आगाज हो रहा है। नवरात्र के पावन दिनों में सप्तमी अष्टमी आपकी शुभ हो, लेकिन ये वादा रहा नवमी आपके साथ जरूर मनाएंगे। तो इसी वादे के साथ सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। चाय पीने साथ आएगा शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में, गुड न्यूज टुडे पर।